दूसरी मॉडल कहाँ यार? दूसरी मॉडल को बुलाओ। मिनी, मिनी। सर। यार ये मॉडल को बुलाने भेजा था, कहाँ मर गई है? सर एक्चुअली आपने डांटा था बिनी को, इसलिए वो रोते रोते चली गई। यार डांटू नहीं तो क्या करूँ, सुबह तक काम पूरा करना है, क्लाइंट मेरे सर पर बैठा हुआ है। एनीवे यार सॉरी वॉरी बोल, कुछ भी कर, उसको बुला के लेके आ जल्दी। ओके सर। जल्दी आओ यार, सर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बिनी कुछ बोलो ना, बिनी मेरी बात सुनो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बिनी अभी तो यहां पर थी यार। बिनी 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 तुम हो वहां पे? बिनी 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 देखो बहुत मजाक हो चुका है बिनी, सर रुके हुए तुम्हारे लिए। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी बंद करो ये मजाक, चलो। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी बिनी Excuse me, ma'am, थोड़ा यहाँ आ जाइए, just rest a bit behind, हाथ यहाँ रख दीजिए ऊपर, ये ऐसे, तो ये flare को ऊपर पकड़ लीजिए, exactly, just look straight, sir, yeah. How's it, Shashank? Perfect frame. Thanks, यार, आज तूने मुझे यहाँ पे बुला के, मेरे बीते हुए कल को जीने का वापस मौका दे दिया। ये तो ठीक है यार, बट तूने अभी तक मुझे एक बात नहीं बताई। क्या? तू आजकल अपनी फोटोग्राफी छोड़ के कर क्या रहा है यार? फोटोग्राफी कर रहा हूँ यार। ये कह सकता है कि अलग किस्म की फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्या? बट किस टाइप की है? छोड़ना, फुर्सत में बताऊंगा। तू कहीं जानवरों की फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा ना? नहीं यार, लेकिन जिस दिन मैं वहां कामयाब हो गया ना शशांक, मेरे जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। Hope so, यार। All the best. Thanks. ये टोनी कहाँ गया यार? उसको बीनी को लाने भेजा था, वो गायब हो गया। सर मैं दो मिनट में बुला के लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है जा। और सुन, अभी तू गायब मत हो जाना। नहीं सर। Everything's fine. बीनी, बीनी तुम हो क्या? बिनी वहां क्या कर रही हो यार? सुबह तक काम पूरा करना है मालूम है ना तुमको? चलो आओ यहाँ पर। शशांक आराम से यार, बेचारी घबराई हुई है।
ये कैसे हो सकता है? कैमरा में बिनी की जगह बूढ़ी औरत? यो शशांक सर, ये बिनी नहीं है सर। सर बिनी नहीं है वो सर, वो एक कोई खतरनाक बुढ़िया है सर। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। उन्हें क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मेरी आंखें निकाल दी। बिनी ने बिनी क्या है ये सब? तुम सब मेरा राज जान गए हो, है ना? ठीक है दी, दी मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं कराया तो मम्मी की जान को खतरा भी हो सकता है। दीप्ति तू बिल्कुल फिक्र मत कर, पापा को तो हमने खो दिया है, मगर माँ माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। हम इनको ऑपरेशन जरूर कराएंगे, ठीक है? पर दीप, दीप ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना, और हम इतने सारे रुपए लाएंगे कहाँ से? हम नहीं, मैं मैंने सोच लिया कि मैं नौकरी करूंगी। पर दीप, दी आपकी पढ़ाई? मैं देखती हूँ। टोलिन ग्लोबल कॉल सेंटर, रात की शिफ्ट के लिए 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए। इंटरव्यू रात के 11 बजे? दी, दी ये कैसी नौकरी है बिना क्वालिफिकेशंस के? बेटा ये ऐड तो मुझे गलत लग रही है, 30 से कम उम्र वालों को ही नौकरी मिलेगी? बेटा वो लोग गलत तो नहीं है? माँ अगर वो लोग गलत लोग हैं तो मैं उनसे निपट लूंगी, मगर ये इंटरव्यू देने में तो कोई बुराई नहीं है ना यार। ये बिनी का रास्ता ज्यादा ही कुछ गहरा होता जा रहा है, समझ में नहीं आता वो तो एक आम इंसान की तरह है, फिर उसकी शक्ल कैमरा में बुढ़ी औरत की तरह क्यों लग रही थी? जरूर ये किसी आत्मा का चक्कर है। वैसे हर्ष कहाँ रह गया? उसे कोई जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएगा। क्या बात है यामिनी, आजकल हर्ष के बारे में पूरी जानकारी रहती है तुम्हें, चक्कर क्या है बस? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी खबर रखती हूँ। क्या आपको नहीं पता कि बिनी कहाँ है? नहीं, वो कल रात से घर ही नहीं लौटी है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो आ जाएगी। चिंता कैसे नहीं करूं बेटा,
जवान लड़की है और शहर के हालात भी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ होगा ये सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। लेकिन आंटी बिनी कल रात गई कहाँ थी? कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी है ना, सुबह तो वापस लौट आती है, पता नहीं आज क्यों नहीं लौटी। एक मिनट एक मिनट, बिन्नी कॉल सेंटर में काम करती है? हाँ, तुम लोग दोस्त हो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं आंटी, एक्चुअली उसने बताया नहीं। अच्छा, उसे ये नौकरी 3 दिन पहले ही मिली है। कौन सा कॉल सेंटर है ये? वो हाँ, टोलन ग्लोबल। टोलन ग्लोबल, हमें अभी उस कॉल सेंटर में जाना चाहिए। आंटी हम लोग निकलते हैं। अच्छा बेटा, अब बिन्नी का अगर पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी राघव, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि बिन्नी को कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये कॉल सेंटर का चक्कर क्या है बस? बिन्नी तो एक फोटोग्राफर की असिस्टेंट थी ना। हो सकता है कि उसने घर वालों से झूठ बोला होगा, जैसे मैं बोलती हूँ। मैं काम कुछ और करती हूँ पर घर वालों को कुछ और मालूम है। मुझे लगता है यामिनी, हमें इस कॉल सेंटर का चक्कर एक बार लगा लेना चाहिए। Excuse me, मैडम देखिए मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्ट्रेट जाकर लेफ्ट। थैंक यू। कमाल, पेपर में तो लिखा था 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, यहाँ तो सारे के सारे बुजुर्ग हैं।
Come in. Excuse me. Miss Ashi. आपको मेरा नाम कैसे पता? I mean, मैंने तो अभी तक आपको अपना बायोडाटा भी नहीं दिया। यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछता। I'm sorry. Thank you. मिस आशी, आपके घर में कितने लोग हैं? जी? आप ऊंचा सुनती? आपके घर में कितने लोग हैं? जी, पापा गुजर गए हैं, एक छोटी बहन है और माँ है। घर पे कोई मरने वाला है? क्या? कोई बीमार है? माँ बीमार है, मगर मैं उनको मरने नहीं दूंगी, ऑपरेशन कराऊंगी उनका। मिस आशी, मरना तो एक दिन सबको ही। आप क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी ना रहे, किसी और की जिंदगी हो जाए, तो उस किसी और को क्या क्या करना पड़ेगा आपकी जिंदगी बिताने की? मेरी जिंदगी किसी और की क्यों होगी? क्यों? कोई और नहीं हो सकता क्या? देखिए, मैंने गलती की जो मैं यहाँ पर आई, अपना टाइम बर्बाद किया, मैं जा रही हूँ। ये नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी मिस आशी, क्योंकि आप इंटरव्यू में पास हो गए। I'm sorry. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो देखो, तुम जो भी हो, मुझे यहां से जाने दो, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। दरवाजा खोलो। से तुम्हारी नौकरी शुरू। हाँ।
कहाँ जाना है आपको? जी वो टोलन ग्लोबल कॉल सेंटर, इसी बिल्डिंग में। टोलन ग्लोबल? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर जान प्यारी है तो आइंदा से इसका नाम मत लेना अपनी जुबान से। अरे पर हमारी दोस्त बिनी इस कॉल सेंटर में काम करती है। बिनी तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। क्या? पर 3 दिन पहले ही बिनी की नौकरी लगी है वहाँ पे। वहाँ पर किसी की नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉल सेंटर शुरू होने से पहले ही बंद हो गया है। 2 साल पहले। 2 साल पहले बंद? हाँ, लोग कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद वहाँ पर आत्माएं आ जाती हैं। आत्माएं? हाँ मैम साहब, रात के 10 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता। नहीं, नहीं। कैसी आत्माएं हैं? किसी ने देखा तो नहीं पर हाँ आवाजें सुनी, लोगों के चलने की आवाजें, फोन बजने की आवाजें, जबकि उस कॉल सेंटर पे तो पिछले 2 सालों से ताला लगा हुआ है। जी कौन से फ्लोर पे है ये कॉल सेंटर? वो 5वें फ्लोर। लगता है यही वो कॉल सेंटर है जहाँ पे बिनी काम करती है। देख के तो लगता है जैसे सालों से कोई यहाँ पे आया नहीं, तो फिर वो यहाँ काम कैसे करती होगी? मुझे लगता है ललित और चौकीदार ठीक ही कह रहे थे, हो सकता है कि रात के वक्त ही वो सारी आत्माएं आती होगी आपकी। तो फिर तो हमें रात को ही आना चाहिए, इस वक्त तो हमें कुछ भी पता चलने से नहीं। ये दरवाजा? ये भी नहीं खुल रहा। लगता है ये सारे दरवाजे रात को ही खुलते होंगे। छोड़ो, रात को ही आते हैं यहाँ पर। ये तो किसी का बायोडाटा लगता है। ये तो फ्रेश बायोडाटा लग रहा है। लगता है ये आजकल भी आई होगी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। मिस आशी, इसमें तो इसका पता भी लिखा हुआ है। चल इसके घर चल कर देखते हैं। तुम यहाँ पे फंसा है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ही बेटी से डर गई? कैसी माँ हो तुम? दीप्ति, दीदी को खाना दो। दीप्ति, फोन नीचे रखो। दीप्ति, सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो।
दीप्ति, जाओ दरवाजा खोलो, जाओ। जी कहिए। जी आशी यहीं पर रहती है? जी हाँ, आशी यहीं रहती है। क्या काम? जी वो दरअसल हमें ग्लोबल नाम के कॉल सेंटर में काम करना है, इसीलिए हम यहाँ आशीष से उनकी राय लेने आए थे। वैसे आप दोनों में से आशी कौन है? मैं हूँ आशी, और मुझे इस कॉल सेंटर के बारे में कोई राय नहीं देनी। क्यों, आप वहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? गई थी, मगर मैं वो नौकरी उनके मुंह पर मार कर आई। अब आप लोग यहाँ से जाते या नहीं, या मैं ये दरवाजा आपके मुंह पर मारूं। आशी, ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में दखलंदाजी मत दे। आप लोग प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए, लगता है दी का मूड ठीक नहीं है। दी, दी ये क्या हो गया आपको? से पहले तो इतना गुस्सा आपने कभी नहीं किया, और आज आज माँ से भी इस तरह बात किया आपने। पता नहीं आशी को क्या हो गया बेटा, अजीब सी हरकतें कर रही है। जा जाके देख क्या, उसने कुछ खाया भी के नहीं, दोपहर के बाद से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जा मेरा बच्चा देख क्या। जी माँ। मम्मा, वो दीदी की आवाज़, दीदी के कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आप प्लीज़ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ मम्मा। उसी की आवाज है, ये क्या हो गया उसे? आशी,
आशी बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अगर आत्मा है तो कोई ना कोई निशान तो जरूर दिखना चाहिए। हो सकता है कि अफवाहें हों, कहानी जुड़ी भी तो हो सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉल सेंटर सुनसान पड़ा था, इसलिए बिन्नी का तो यह नौकरी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये वाकई प्यार है या सिर्फ दोस्ती? कहीं मैं इस दोस्ती को प्यार तो नहीं समझ रही हूं। नहीं, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से कुछ ज्यादा ही गहरा है ये रिश्ता। तो क्या ये प्यार है? हर्ष, वो देखो। ये लाइटें ऑन हो गई। लगता है आत्माएं आ गई। चलो चलकर देखते हैं, देखते हैं आत्माएं हैं या कोई और। चलो ये लिफ्ट तो पांचवें माले पे रुकी हुई है। लेकिन पांचवें माले पे तो कोई जाता ही नहीं, फिर ये लिफ्ट वहां क्या कर रही है? चलो ऊपर चल के देखते हैं, पांचवें माले पे। ये क्या, ये लिफ्ट अपने आप ही नीचे आ रही है। संभल के, अंदर कोई भी हो सकता है। क्या बात है बॉस, आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं किसी सर्कस का जोकर हूं। तो पांचवे माले से आ रहे हैं। हाँ, तो तुम कहाँ गए थे? उस कॉल सेंटर में। हाँ, तुलन ग्लोबल, आज मेरा वहां इंटरव्यू था। इंटरव्यू? पर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे नौकरी भी मिल गई। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। एनीवे मैं चलता हूं, ये खुशखबरी मेरे दोस्तों को सुनानी है। अगर उस कॉल सेंटर में वाकई आत्माएं हैं, तो उन्होंने इसे कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि वो आत्माएं अच्छी हो। अच्छी हो या बुरी, वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा।
दरवाजा बंद कैसे हो सकता है? अभी अभी तो लड़का इंटरव्यू देके गया था। और जब हम दिन में आए थे तब तो खुला था। आप अचानक? ये आवाज कहां से है? मुझे लगता है ये आवाज वहां से आ रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। कोई इस तरफ से आ रहा है। चलो कौन ये लोग और चाहते क्या है? इस कॉल सेंटर में कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस कॉल सेंटर के मालिक से मिलना चाहिए। अब वही देगा हमारे इन सवालों का जवाब। अच्छे लोग हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे मुझे कोई नुकसान, सच कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखो, समझे ना? अंकल, ये आप किससे बात कर रहे हैं? तुम सोचो सही, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैंने कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। मैं कैसे समझाऊं? नहीं, मैं ये आप किससे बात कर रहे हैं बाबा? मेरे सिवा बाबा, ये आप किससे बात कर रहे हैं? बाबा, तुमने मुझे बाबा कहा? विशु भी यही कहता था मुझे बाबा। विशु? विश्वनाथ आपके बेटे का नाम था ना? अभी उसी से तो बात कर रहा था मैं। क्या? पर वो तो मर चुका है। दुनिया के लिए वो मर गया होगा, पर मेरे लिए वो जिंदा है, हमेशा मेरे साथ रहता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता सिवाय मेरे। पर ये सब हुआ कैसे बाबा? उन लोगों ने जान ले ली। किन लोगों ने? आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं उन कॉल सेंटर वाली आत्माओं की तो नहीं? कॉल सेंटर? तुम लोग गए थे वहां? नहीं जाना चाहिए था। वो कॉल सेंटर नहीं, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जहां मुर्दे नहीं, जिंदा लोग गाड़े जाते हैं। जिंदा लोग। बाबा, हर मौत के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है। उस कॉल सेंटर में भी जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिस वजह से वो कॉल सेंटर नहीं मौत का घर बन चुका है। हुआ था, और इस सब के लिए जिम्मेदार था मेरा बेटा विश्वनाथ, और उसे अपने किए की सजा चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। ऐसा क्या किया आपके बेटे ने कि सिर्फ वही नहीं और भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं? उस जगह पर कॉल सेंटर बनने से पहले मेरा एक छोटा सा कारखाना होता था, जहां गरीब बेसहारा बूढ़े काम करते थे। पर मेरे लालची बेटे ने उस कारखाने को बंद करवा के वहां कॉल सेंटर बनवाना चाहा था। तो फिर वो बेचारे बेरोजगार हो गए होंगे? नहीं,
मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने विश्वनाथ को साफ कह दिया कि वहां कोई कॉल सेंटर नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बेटे ने उन सारे बूढ़ों को मरवा दिया। जहरीली गैस छिड़कवाकर विश्वनाथ ने मरवा डाला उन सब। पर एक बात भूल गया हूं कि किसी की चिता की आग पर लालच की रोटियां नहीं सेकी जाती। उन बेबस बेसहारा बूढ़ों की आत्माओं ने मार डाला उसे और हर उस इंसान को जो उस कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ था। कितनी बार मिन्नत की उनसे माफी मांगी, लेकिन नहीं सुनते। वो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। देखोगे? देखना चाहोगे तुम लोग? क्या हम देख सकते हैं? रुको, यही रुको। सबके सब शिकार हो गए विश्वनाथ के लालच की। राघव ने जिस बूढ़ी औरत की फोटो खींची थी वो शायद इन्हीं के कारखाने में काम करती होगी। हाँ, हो सकता है। चलो देखते कहीं वो बूढ़ी औरत इनमें से एक तो नहीं। ये डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कह ले, ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स की साइंस कोई भी जवाब दे, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन तुम जरूर उठोगी, अपने राघव के लिए, अपने इस प्यार के लिए तुम्हें उठना ही होगा। मैं चलता, अपना ध्यान रखना। क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? मैं कहता हूं रुक जा बिल। मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा। मेरे सारे राज जान गए हो, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दो यामिनी को।
बिल्ली मर गई, पर ये तो एक आत्मा थी, ये कैसे मर सकती है? आत्मा नहीं मरी, सिर्फ बिनी का शरीर मरा है। वो आत्मा बिनी के शरीर के अंदर घुसी हुई थी। अब शरीर नहीं रहा तो वो आत्मा दूसरा शरीर ढूंढने की कोशिश करेगी। उन आत्माओं को अलग अलग शरीर चाहिए, इसलिए तो वो लोगों को कॉल सेंटर बुलाती थी इंटरव्यू लेने के लिए। राघव, वो फोटोग्राफ दिखाना। ये तो वही औरत है। हाँ वही औरत। इससे पहले कि ये दोबारा हमें यहाँ ढूंढने आए, हमें उसे ढूंढना होगा उस कॉल सेंटर में। शायद ये इंटरव्यू देने जा रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, आखिर पता तो चले कि इंटरव्यू के बहाने यहाँ पे होता क्या है। विच फ्लोर? पांचवा माला। मैं भी वहीं जा रहा में। जब हम आए तो यह जगह कितनी अजीब थी, और अब देखो। पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होने वाला है, कहीं इसकी भी बलि ना चढ़ जाए। एक्सक्यूज मी, सुनिए, इंटरव्यू के लिए आया हूं। कहां जाना होगा इंटरव्यू के लिए? मैनेजर की केबिन में, सीधे जाकर लेफ्ट। रिकॉर्डिंग शुरू करो, देखो कुछ दिख रहा है नहीं। कोई नहीं दिख रहा, सारी की सारी आत्मा है। क्या तेरी इस ऑफिस में तो सारे बूढ़े थे ना, ये जवान लड़का यहाँ क्या कर रहा? शायद ये भी फंसा हुआ हो इन सब के बीच। नहीं, देखकर तो लगता है जैसे ये भी मिला हुआ इन सारी आत्माओं के साथ। तुम ठीक कह रहे हो, ये भी एक आत्मा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे ये नौकरी देके। इसमें एहसान की क्या बात, तुम जैसे जवान लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा?
या सर। सर मैं अब चलूं, कल से आता हूं काम पे। थैंक यू। जाने से पहले अपने साथियों से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ हाँ सर, मिलवाइए ना। कैसे सभी फोन बजने बंद हो गए? मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी की आत्मा आज ही कब्जा करेगी इसके शरीर पर। राकेश जी, आया सर। ये आज से आपके साथ काम करेंगे। हेलो, बड़ी खुशी आपसे। ये कैसे हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं सका? कौन है आप लोग? बड़ा अच्छा लगा। ये लोग इसका भी वही हाल करेंगे जो बिनी का किया। वैसा नहीं होने दूंगा। नहीं यार, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। लेकिन यामी, हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? कॉल सेंटर की शिफ्ट खत्म हो गई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। आइए आइए, इंटरव्यू के लिए आए। मैंने तो सोचा था कि आज के इंटरव्यूज खत्म हो गए। चलो कोई बात, हमारे यहां तो इतना काम है कि जितने भी लोग आए कम पड़ जाते। चलिए इनको काम पे लगा देते हैं। ये कैसी जगह? बाहर आने के बदले हम और अंदर बंद हो गए। अगर हमने यहां से जल्दी नहीं की, हमारा भी यही हाल होने वाला है। लगता है सामान्य आत्माओं का है। आत्माओं की आवाजें आनी बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहां से बाहर निकलने का। चलो।
तुम लोगों ने क्या सोचा था? ये मामूली सा दरवाजा तुम्हें आत्माओं से बचा लेगा? यामिनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद मैनेजर ही वो आदमी था जिसकी वजह से ये सारी आत्माएं इंसानी शरीर से जुड़ी हुई थी, और इस मैनेजर को खत्म करके इन सारी आत्माओं को हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलो, अब ना ही इस कॉल सेंटर में कोई इंटरव्यू होगा और ना ही किसी की जिंदगी जाएगी। हाँ, हमने इन आत्माओं को तो खत्म कर दिया है, बस सिर्फ उन आत्माओं को ढूंढना बाकी है जिन्हें नया शरीर मिला है। चलो। आपने मुझे ये नौकरी दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही है? इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं इस कॉल सेंटर की नई मैनेजर हूँ, और इसमें काम करने के लिए जवान लोग तो चाहिए ही, है ना? चलिए, लेट हो रहा है।